नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और वक्त हो गया है 13 सितंबर के करंट अफेयर्स का। पहला प्रश्न, किस पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने का फैसला किया है और इसके ऑप्शंस हैं विकी प्रसाद, मनदीप मोर, सरदार सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है सरदार सिंह। सरदार सिंह ने मीडिया से 12 सितंबर को कहा है, हालांकि वह कब से संन्यास लेंगे इसके बारे में 13 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे। सरदार सिंह ने भारत के लिए सीनियर टीम में शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में किया था। 32 वर्ष के इस खिलाड़ी ने देश के लिए 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 2008 से लेकर 2016 तक 8 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय टीम की कप्तानी भी संभाली। दूसरा प्रश्न, किसानों की उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने मकसद से केंद्रीय कैबिनेट ने कौन सी नीति को मंजूरी दी है, इस योजना का पूरा नाम बताएं। इसका आंसर है पीएम आशा नीति, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय आरक्षण अभियान। 12 सितंबर को केंद्र सरकार ने किसानों से खरीद की नई नीति पर मुहर लगा दी है। इसके तहत तिलहन की खेती करने वाले किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कीमत मिलने पर सरकार इनकी भरपाई करेगी। इस योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा से ज्यादा किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित की जा सकेगी। इसे लागू करने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। इस नीति पर चालू खरीफ सीजन से ही अमल शुरू कर दिया जाएगा। इसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई थी। अब इस योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और अब ये लागू हो गई है। तीसरा प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने के लिए संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है, और इसके ऑप्शन है 3, 2, 1 या फिर 4, और इसका सही आंसर है 4। कैबिनेट ने 12 सितंबर को विजवाड़ा, अमरावती, भोपाल, कुरुक्षेत्र और जोहरहाट स्थित 4 डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्था अधिनियम 2014 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। विधायक में NID विजवाड़ा का बदलकर NID अमरावती करना भी शामिल है। चौथा प्रश्न, केंद्र सरकार मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने क्षमता विकास योजना अवधि को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, और इसके ऑप्शंस है 2020 से 2023 तक, 2013 से 2024, 2018 से 2019 या फिर 2019 से 2020, और इसका सही आंसर है वित्त वर्ष 2019 से 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने क्षमता विकास योजना को 2,250 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 2017 से 2018 से जारी रखने को अपनी मंजूरी दी। यह योजना सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की केंद्रीय योजना है। इस योजना का उद्देश्य नीति निर्माताओं और लोगों के लिए विश्वसनीय और समय पर सरकारी सांख्यिकी उपलब्ध कराने के लिए संरचनात्मक, तकनीकी और मानव संसाधन को मजबूत बनाना है। पांचवा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने UNI ATF पुरस्कार भारत के किस व्यक्ति को देने की घोषणा की है, और इसके ऑप्शंस है मनोज झालनी, राजेश मोहनिया, सुरेंद्र अग्रवाल या फिर अमरनाथ तिवारी, और इसका सही आंसर है मनोज झालनी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ऊपर सचिव एवं विशेष निदेशक, उन्हें गैर संक्रमणीय बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान 27 नवंबर को न्यूयॉर्क में दिया जाएगा। छठा प्रश्न, अगस्त 2018 में खुदरा महंगाई दर घटाकर 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई, यह प्रतिशत पर रही, और इसके ऑप्शंस है 1.69%, 3.69%, 4.69% या फिर 5.69%, और इसका सही आंसर है 3.69%। इससे पहले जुलाई में खुदरा महंगाई दर 4.17% थी,
इस आंकड़े को 12 सितंबर को जारी किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 3.41% रही। शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर अगस्त 2018 में 3.99% यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। सातवां प्रश्न, जुलाई 2018 में देश की औद्योगिकी विकास दर कितनी प्रतिशत रही? और इसके ऑप्शंस है 6.6%, 5.6%, 4.6% या फिर 3.6%। और इसका सही आंसर है 6.6%। जुलाई 2018 में औद्योगिकी उत्पादन सूचकांक IIP 125.8 अंक रहा, जो जुलाई 2017 के मुकाबले 6.6% ज्यादा है। आठवां प्रश्न, किस देश ने 10 सितंबर 2018 को अपनी राजधानी में फिलिस्तीन मिशन को बंद करने की घोषणा की? और इसके ऑप्शंस है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन या फिर श्रीलंका। और इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका US ने 10 दिसंबर 2018 को वॉशिंगटन DC में फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO कार्यकाल को बंद करने की घोषणा की। PLO जो फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्य इकाई के रूप में कार्य करता है। नवा प्रश्न, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के रूप में 14वां संयुक्त सेनाएं अभ्यास 16 से 29 सितंबर तक उत्तराखंड के चोबटिया में होगा। यह अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास 2018, शांति अभ्यास 2018, सफलता अभ्यास 2018 या फिर इंडो US अभ्यास 2018। और इसका सही आंसर है युद्ध अभ्यास 2018। दोनों देशों के सेनाएं बल संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र में आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी अभियान का संयुक्त रूप से अभ्यास करेंगे। 2 सप्ताह संयुक्त अभ्यास में अमेरिका और भारतीय सेना के 350 से 350 जवान भाग लेंगे। दसवां प्रश्न, चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के मत पत्रों से किस विकल्प को हटाने? और इसके ऑप्शंस है बीप की आवाज, नोटा, लाल बत्ती या फिर चुनाव चिन्ह। और इसका सही आंसर है नोटा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव मत पत्रों से उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प हटाने की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पहले ही दिया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इसे ऑफिशियली अनाउंस किया है।